Hello dear students, good morning everyone. Today we will learn about Hindi subject. हिंदी में आज हम पार्ट छः स्टार्ट करेंगे. पार्ट छः हमारा सुषा को मिला उपहार. सुषा एक लड़की का नाम है, उसको क्या मिला? उपहार का मतलब होता है तोहफा, गिफ्ट. ठीक है, तो इस पार्ट का नाम है सुषा को मिला उपहार. ठीक है, पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ आपके 41 पेज पे आ जाइए. देखिए, तो तोहफा मैंने आपको बताया था, उपहार को क्या बोलते हैं? तोहफा. उपहार का है तोहफा. परिश्रम का मेहनत, मेहनत करने को बोलते हैं परिश्रम. कोशिश, कोशिश करने को बोलते हैं प्रयास. स्केटर्स मीन्स पहिए वाले जूते, पहिए वाले जूते को बोलते हैं स्केटर्स. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट स्टार्ट करेंगे. हमें घर के बाहर खेले जाने वाले खेल भी खेलने चाहिए. देखिए, घर के अंदर तो हम खेलते ही, पर बाहर जो खेले जाने वाले खेल होते गेम्स होते, वो हमें खेलना चाहिए. ऐसे खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है. ऐसे जो गेम होते हैं वो हमारे शरीर को क्या अच्छा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. इनके माध्यम से हमें अनुशासन एवं सहनशीलता, अनुशासन आएगा यहाँ पे, अनुशासन व सहनशीलता जैसे गुण सीखते हैं. आइए कहानी पढ़े और जाने कि सुषा, जो घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, किस प्रकार घर से बाहर खेलने जाने को तैयार हुई. देखिए, जो बाहर खेलने वाले गेम होते हैं वो हमें अनुशासन और सहनशीलता सिखाते हैं. तो देखिए, इसमें जो सुषा नाम की लड़की है, वो जो घर से बाहर कभी जा सकती नहीं थी, पसंद नहीं करती थी, वो किस प्रकार घर से बाहर खेलने जाने को तैयार हुई. देखिए, सुषा एक अच्छी लड़की थी. कौन थी सुषा? एक लड़की थी. उसके अच्छे स्वभाव की वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे. उसका जो नेचर था, स्वभाव था, वो बहुत अच्छा था, इसलिए सभी लोग उसे उसके स्वभाव की वजह से पसंद करते थे. उसकी एक बुरी आदत भी थी, उसे घर के बाहर जाकर खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसकी बुरी आदत क्या थी कि उस लड़की को घर के बाहर जाकर खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं. कई बार इस बात के लिए उसकी अध्यापिका भी उसके माता पिता से शिकायत कर चुकी थी. उसकी जो अध्यापिका थी, मतलब जो टीचर थी, वो भी उसके माता पिता से इस चीज़ के लिए शिकायत करती थी, कंप्लेन करती थी कि वह और बच्चों के साथ बाहर नहीं खेलती है. क्या बोलती थी? कि वह और बच्चों के साथ बाहर नहीं खेलती है. देखिए, सुषा किसी के साथ बाहर खेलने नहीं गई, वह बस टीवी ही देखती रही. बच्चे बोर हो गए और धीरे धीरे उन्होंने आना बंद कर दिया. उसके जो दोस्त थे वो उन्होंने आना बंद कर दिया, क्योंकि वो बच्चों के साथ क्या करती थी, बाहर खेलने नहीं जाती थी, बस घर के अंदर टीवी देखती थी. धीरे धीरे उन बच्चों ने आना भी बंद कर दिया. एक दिन सुषा के पिता ने गुस्से में सुषा से कहा, अब तुम्हारे लिए कोई उपहार नहीं आएगा. उपहार का मतलब गिफ्ट नहीं आएगा, जब तक तुम इतना ज़्यादा टीवी देखना बंद करके पढ़ाई नहीं करोगी और बाहर खेलने नहीं जाओ. एक दिन सुषा के पड़ोस में एक परिवार आया. सुषा ने अपने घर की खिड़की से देखा कि पड़ोसी का बेटा राहुल स्केटिंग कर रहा है. उसने क्या देखा सुषा ने, कि पास के पड़ोस का जो बेटा है वो स्केटिंग कर रहा है. मैंने आपको बताया था कि स्केटिंग मतलब क्या होता है. स्केटिंग मतलब होता है पहिए वाले जूते. स्केटिंग मतलब होता है पहिए वाले जूते. पड़ोसी का बेटा राहुल स्केटिंग कर रहा है. उसने किसी को स्केटिंग करते पहली बार देखा था. सुषा ने किसी को भी स्केटिंग करते हुए पहली बार देखा था. उसे यह बहुत मज़ेदार लगा. क्या लगा सुषा को? यह बहुत मज़ेदार लगा. सुषा राहुल को प्रतिदिन स्केटिंग करते देखती, उसका भी मन करता कि वह भी स्केटिंग करे. उस लड़के को देखती थी, राहुल नाम था उसका, तो उसका भी मन करता था कि वह भी स्केटिंग करे. अब टीवी देखने में भी उसका मन नहीं लगता. एक दिन सुषा बाहर आकर अपने दरवाजे पर खड़ी होकर राहुल को स्केटिंग करते हुए देखने लगी. राहुल ने उससे पूछा, क्या तुम स्केटिंग करोगी? हाँ, मैं सिर हिलाते हुए सुषा ने स्केटिंग करने की कोशिश की. वह कई बार नीचे भी गिरी, पर राहुल ने उसकी हिम्मत बढ़ाई. बहुत बार वह नीचे भी गिरी, पर जो उसका दोस्त था राहुल, उसने
उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई। कुछ ही दिनों में वह अच्छी स्केटिंग करने लगी। उसे बस यही दुख था कि उसके पास अपने स्केटर्स नहीं हैं। क्या दुख था उसको? क्या उसके पास भी वो जो पहिए वाले जूते नहीं हैं? तुम अपने माता पिता से कहो कि वे तुम्हें स्केटर्स लेकर दे दें। राहुल ने कहा, किसने कही ये बात? राहुल ने कही कि तुम अपने माता पिता को कहो तो वो भी तुम्हें ऐसे जूते लाकर दे दें। पर वे मुझे तब तक कोई चीज़ खरीद कर नहीं देंगे जब तक मैं टीवी देखना बंद करके पढ़ाई नहीं करूँगी और बाहर खेलने नहीं जाऊँगी। सुईशा ने जवाब दिया, ओह पर यह कोई कठिन काम नहीं है, आलस मत करो। मेरे पास मुंबई वाले घर में एक और स्केटर्स पड़े हैं, मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत मन लगाकर पढ़ोगी और खेलने के लिए प्रतिदिन बाहर आओगे, टीवी भी सिर्फ एक घंटा ही देखोगे। राहुल ने समझाया, ये बात किसे समझे इसको? राहुल ने समझाया, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब मैं ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखूंगी। सुईशा ने उससे वादा किया, मैं बहुत मेहनत करूंगी। सुईशा ने राहुल से कहा, किसने कही ये बात? सुईशा ने राहुल से कही। कुछ ही दिनों में सुईशा के माता पिता व अध्यापिका ने देखा कि सुईशा बहुत परिश्रम करती है। परिश्रम का मतलब क्या होता है? मेहनत करती है। उसका परीक्षा परिणाम भी इस बार बहुत अच्छा आया। उसका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो भी इस बार क्या हुआ? बहुत अच्छा आया। एक सुबह सुईशा को एक उपहार मिला। उसने खोल कर देखा तो उसमें एक जोड़ी स्केटर्स थे। उस पर एक पर्ची लगी थी। देखिए बच्चों, पर्ची लगी थी, पर्ची में क्या लिखा था? सुईशा तुमने अपना वादा निभाया और मैंने अपना। सुईशा, ये राहुल, पर्ची लगी थी और पर्ची में लिखा था सुईशा तुमने अपना वादा निभाया और मैंने अपना। तो ये गिफ्ट किसने दिया था उसको? राहुल ने दिया था। और गिफ्ट में क्या था? स्केटर्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह सुईशा ने अपने पेरेंट्स की बात रखी, अपने अध्यापिका की बात रखी और उसने अपने दोस्त राहुल की भी बात रखी और उसने स्केटिंग सीखी। ओके, तो पार्ट 6 सुईशा को मिला उपहार, ये लेसन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेसन से हमें यह मॉरल मिलता है कि हमें भी घर से बाहर खेलने जाने वाले खेल खेलना चाहिए और ऐसे अगर हम खेल खेलते हैं तो ये हमारे शरीर को क्या स्वस्थ रखते हैं और रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, और ये जो गेम्स होते हैं ये हमें अनुशासन और सहनशीलता सिखाते हैं, जैसे गुण सिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए हमें भी बाहर खेलने जाना चाहिए। ओके।